हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्राइंग मोड को लॉक करके बार बार शेप कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब शेप को आपको बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इसके लिए हमको जाना है ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब पर। ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे शेप्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपना जो शेप हमें ड्रॉ करना है वो सेलेक्ट करना है, लेकिन हमें उस पर क्लिक नहीं करना है, सिर्फ कर्सर ले जाना है। ठीक है, मान लीजिए कि हमें ये रेक्टेंगल जो है बार बार ड्रॉ करना है, तो हमने कर्सर यहाँ पर रखा। उसके बाद यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब आप राइट क्लिक करेंगे तो देखिए लॉक ड्रॉइंग मोड का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये जो प्लस साइन बन करके आया है, अब इसकी मदद से आप बार बार रेक्टेंगल देखिए ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपको बार बार जाकर के वहां रेक्टेंगल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हटाना कैसे है, कहीं पर भी यहां पर रखिए कर्सर, उसके बाद राइट क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए ये हट जाएगा।